जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्व में जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो आप जल्दी से आ जाएं और वीडियो को पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं नई ट्रिक लेकर के आया हूँ एमपी वालों के लिए। एमपी पीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एमपी टेट की कर रहे हैं, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस या ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें एमपी जीके पूछा जाता है, एमपी के मेले पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी भर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ऐसी अनेकों ट्रिक आने वाली हैं, अगर आप प्रोत्साहन करेंगे कि सर इस प्रकार की ट्रिक की जरूरत है तो मैं कई ट्रिक आपको बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये एमपी का नक्शा है दोस्तों, आप देखें ये मध्य प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश भारत के बीच में स्थापित होने के कारण से हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। तो हृदय प्रदेश के बारे में आज हम जानते हैं, इसमें कितने मेले लगते हैं उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको टेस्ट भी देना होगा, साथ ही में ट्रिक भी आपको बताऊंगा। आपको बताना गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है, 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपसे बनता है तो कमेंट में लिखते जाएं जल्दी से, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शाजापुर कहां पर लगता है, शाजापुर में लगता है, ठीक है, गरीबनाथ का मेला। अब देखो इसको कैसे याद रखने ना है दोस्तों, हमने देख लिया कि गरीबनाथ का मेला लगता है शाजापुर में। मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताने वाला हूं कि दोस्तों गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए, गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए। इस प्रकार से देखो दोस्तों, समाज में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के गरीब बालक भी हैं, अगर आपसे बनता है तो गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए, समझ लेना है आप। इसलिए आपको याद रख लेना है कि गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है, शाजापुर में लगता है। बोले सर बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है कि गरीब को सजा मत दीजिए, सजा दीजिए, है ना, तो याद रख लेना है दोस्तों। ये है आपका शाजापुर, यहाँ लगता है आपका गरीबनाथ का मेला शाजापुर में, ठीक है। अगला देखते हैं, जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है, जल बिहारी, 2 सेकंड दिए जाते हैं आपको, कहाँ पर लगता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों, छतरपुर में। अब एक चीज देख लेना, जब जल गिरता है, जल यानी कि पानी, जब पानी गिरता है तो बिहारी क्या करते हैं, बिहारी लोग करते हैं क्या करते हैं, छत्ता लगा लेते हैं। जब जल गिरता है तो बिहारी लोग छत्ता लगा लेते हैं, तो छत्ता से छतरपुर। जल बिहारी का मेला कहाँ लगेगा, छतरपुर में, क्योंकि जब जल गिरता है तो बिहारी लोग छत्ता लगा लेते हैं, है ना, तो छतरपुर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा जल बिहारी मेला कहाँ लगता है, सर छत्ता लगा लेते हैं छतरपुर, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। ये है दोस्तों छतरपुर, मैप में देखो यहाँ पर लगता है जल बिहारी का मेला, ठीक है, तो इसको भी आपको याद करते जाना है। अगला देखो, हीरा भूमिया और तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, हीरा भूमिया और तेजा जी का मेला, 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुना। कहाँ पर लगता है हीरा भूमिया और तेजा जी का मेला, गुना जिले में लगता है। अब कैसे याद रखोगे दोस्तों, आपको पता होगा हीरा के लिए हमारा जो पन्ना जिला है, पन्ना की मझगवा खान है वो जानी जाती है, सभी को पता है। और आपने देखा होगा आप लोग लाइट के तेज में रहते हो, लाइट के प्रकाश में रहते हो, कभी हीरा का तेज देखना, कई गुना तेज है, लाइट से कई गुना तेज है, तो हीरा का तेज कई गुना तेज है, है ना, तो गुना कई गुना, हीरा का तेज कई गुना तेज है, हीरा का प्रकाश कई गुना तेज है। यहाँ पर देखो दोस्तों ये है हीरा और इसका प्रकाश कई गुना तेज है, कई गुना तेज है, तो गुना से गुना और हीरा से हीरा भूमिया का मेला और तेज से तेजा जी का मेला, तो याद रख लेना है आपको। आपसे पूछा जाएगा हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, आप बोलोगे हीरा का तेज कई गुना है तो गुना, है ना, तेज गुना है तो तेजा जी का मेला भी कहाँ लगता है, गुना में लगता है, तो याद रख लेना दोस्तों ये है आपका गुना, और यहाँ लगते हैं हीरा भूमिया का मेला और तेजा जी का मेला, ठीक है। अब आपको याद हो रहा होगा दोस्तों, तो लाइक जरूर करें, ठीक है। कालू जी और सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है, कालू जी और सिंगा जी का मेला बताना है आपको, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, और आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट में लिखना है, सही हो जाएगा दोस्तों आपका खरगोन, खरगोन में लगता है कालू जी और सिंगा जी का मेला। अब यहाँ से आप खरगोन जब देखते हैं तो आपको आभास होता है खरगोन को पढ़ते ही खरगोश, ऐसे होता ना खरगोश या खरगोन, ठीक है, तो ये है दोस्तों खरगोन, खरगोश, है ना,
और ये कैसा है? कालू। काला है तो आप क्या बोलेंगे इसे? कालू बोलेंगे। ये तो बोला कालू है ना, कालू है। तो कालू जी का मेला कहाँ लगेगा? खरगोन में। और इसके देखो दो कान ऐसे लग रहे हैं जैसे इसके सींग हों, तो सिंगा जी का मेला भी कहाँ लगेगा? खरगोन में। क्योंकि एक कालू खरगोश है, जो कालू खरगोश है एक कालू है सबसे पहली बात, और एक इसके जो कान है वो सींग जैसे लग रहे हैं, तो सिंगा जी का मेला भी खरगोन में लगेगा, ठीक है। और कालू ऐसे भी याद करेंगे आप, कालू किसी का नाम है, कालू सिंगा जी के लिए क्या हुआ? सिंगा जी के मेला के लिए गौन हुआ, गो बेंट गौन, आप पढ़ते ना गौन हुआ है ना, तो याद रखो इसको। तो कालू और सिंगा जी का मेला कहाँ लगेगा? आपका खरगोन में लगेगा, इसको याद रखना है आपको दोस्तों। ये है आपका खरगोन, मैप में देखिए ये है खरगोन, और खरगोन को आप याद रख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? ये दो सेकंड आपको दिए जाते हैं, छतरपुर, चंदेरी, खंडवा या फिर रायसेन, कहाँ पर लगता है जागेश्वरी देवी का मेला? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो सेकंड आपको दिए जाते हैं, और आपका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदेरी। कहाँ लगता है चंदेरी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो सही हो जाएगा। अब एक बात बताना दोस्तों, आप देवी को क्या चढ़ाते हैं? साड़ी चढ़ाते हैं, है ना। ये देखो देवी जी हैं, और देवी जी को आप चुनरी चढ़ाते हो, साड़ी चढ़ाते हो, और अच्छी साड़ी चढ़ाना है, क्योंकि देवी जी को आप चढ़ाओगे तो अच्छी ही चढ़ाओगे। और अच्छी साड़ी कहाँ मिलती है बता दो जरा, चंदेरी में। कहाँ मिलती है? चंदेरी में। तो जागेश्वरी देवी को साड़ी चढ़ाने के लिए आप चंदेरी से लेकर के आओगे, तो ये जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगेगा? चंदेरी, जो कि कहाँ पर है? अशोक नगर। कहाँ पर है? अशोक नगर में है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर करें। ये है अशोक नगर, मैप में देखो यहाँ पर लगता है आपका जागेश्वरी देवी का मेला, ठीक है, याद रख लेना। अगला है दोस्तों कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगता है, कुंडलेश्वर। तो दो सेकंड दिए जाते हैं आपको प्रश्न क्रमांक 6 के लिए, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों टीकमगढ़। आपने देखा होगा दोस्तों पहले जब शादी विवाह होते थे तो राजा महाराजा जब को कुंडल पहनते थे, कुंडल पहनते थे और फिर क्या लगाते थे? टीका लगाते थे, कुंडल पहनते थे। ये देखो ये राजा महाराजा है, कुंडल पहन के टीका लगा के और फिर इनकी शादी होती थी। तो कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगेगा? टीकमगढ़ में। बोले सर कुंडल पहन के टीका लगाते थे, तो कुंडलेश्वर का मेला टीकमगढ़, ठीक है। तो ये है दोस्तों टीकमगढ़, यहाँ पर लगता है, ठीक है, कुंडलेश्वर का मेला, है ना। और यहाँ पर एक जिला और बन गया है निवाड़ी, तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेना, टीकमगढ़ में लगता है कौन सा मेला? कुंडलेश्वर का मेला, आपसे पूछा जाएगा। अगला है दोस्तों शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है, प्रश्न क्रमांक 7, शिवरात्रि का। दो सेकंड आपको दिए जाते हैं, आपको बता देना है उत्तर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने लिखा कमेंट में क्या? नहीं लिखा, लिखा लिखा है तो क्या लिखा है? अमरकंटक। आप बोलोगे सर कि शिवजी आया है और शिवजी ने रात्रि में विष पी लिया और क्या हो गए? अमर हो गए। शिवजी ने रात्रि में विष पी लिया और अमर हो गए, तो शिवरात्रि का मेला कहाँ लगेगा? अमरकंटक। अमरकंटक और पचमढ़ी में भी लगता है, तो याद रख लेना है आपको। अमरकंटक आपके ऑप्शन में है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये है दोस्तों अनूपपुर, अनूपपुर जिले में है अमरकंटक। क्या है यहाँ पर? अमरकंटक है, और यहीं से आपको पता होगा नर्मदा का उद्गम स्थल भी है अमरकंटक, है ना, नर्मदा माई का। तो अनूपपुर है ना, अनूपपुर में है अमरकंटक, और शिवरात्रि का मेला भी यहीं लगता है अमरकंटक में। अगला देख लेते हैं दोस्तों मानधाता का मेला कहाँ लगता है, मानधाता का मेला बताना है, दो सेकंड में आपको उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर टेस्ट भी होगा, ट्रिक भी होगी, मैप से भी आपको बताया जाएगा, तो आपके माइंड में सेट क्यों नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। मानधाता का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? खंडवा। अब एक चीज बताना दोस्तों, कभी कभी आपका मन कभी कभी खंड खंड हो जाए, बोले हमारा मन छीण छीण हो गया यार, मन नहीं लगता, क्या करें, मन खंड खंड हो जाता है, तो मानधाता का मेला कहाँ लगेगा? खंडवा में, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा अपने मन का, कभी कभी आपका मन नहीं लगता, आपका मन खंड खंड हो जाता है, चीड़ चीड़ हो जाता है, तो मानधाता का मेला खंडवा में, ठीक है, याद रख लेना खंडवा। ये है दोस्तों खंडवा, यहाँ पर लगता है मानधाता का मेला, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं दोस्तों मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है, दो सेकंड में आपको उत्तर बताना है, सिवनी, टीकमगढ़, रायसेन या फिर अमरकंटक, कहां पर लगता है मठ घोघरा का मेला?
तो आपको बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है सिवनी। कहां पर लगता है? सिवनी में। अब यहां पर आप लोगों को नहीं लग रहा दोस्तों कि आपने देखे होंगे शंकर जी के, शिव जी के विभिन्न मठ हैं, कई मठ हैं, जहां देखो शिव जी के मठ है। बोले कहां का मठ है? शिव जी का मठ है। तो मठ गोगरा का मेला कहां लगेगा? सिवनी में लगेगा कि नहीं लगेगा? सिवनी में लगेगा, क्योंकि मठ किसके हैं? शिव जी के हैं, सिवनी। ठीक है, तो मठ गोगरा का मेला सिवनी, ये बैठे हैं शिव जी, ये मठ है ना। तो दर्शन भी कर लें आप, दर्शन करके पुण्य भी कमा लो। और मठ गोगरा का मेला याद रखना है सिवनी में है, ये है दोस्तों सिवनी। और यहाँ पर लगता है क्या? मठ गोगरा का मेला सिवनी में। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, बड़ौनी, उन्नान, सोनागिरी और सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, फनी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, कभी नहीं भूल सकते आप ये चारों मेला, बड़ौनी का मेला, उन्नान का मेला, सोनागिरी का मेला और सनकुआ का मेला, ये कहाँ लगते हैं? तो आपने बिल्कुल सही बताया है दतिया। कहाँ पर लगते हैं? दतिया में लगते हैं दोस्तों। अब याद रख लेना आपको, यहाँ पर देखो चित्र के माध्यम से भी आप देख लो थोड़ा सा, और आपकी जो ट्रिक है, एक दिन क्या हुआ, एक लेडीज की क्या कर गई, दतिया गिर गई जो कि सोने की थी। तो उसने किससे बोला? बरौनी जिज्जी से बोला, बरौनी जिज्जी उन्ना फींचत में सोने की दतिया गिरी कुआं में, उन्ना फींचत में सोने की दतिया गिरी कुआं में। किससे बोल रही? बरौनी जिज्जी से। ये देखो ये बरौनी जिज्जी है और ये बोल रही हैं कि बरौनी जिज्जी उन्ना फींचत में सोने की दतिया गिरी कुआं में, उन्ना फींचत, बरौनी जिज्जी उन्ना फींचत में सोने की दतिया गिरी कुआं में, है ना। तो याद रख लेना बरौनी से क्या हो जाएगा, बड़ौनी का मेला, उन्ना फींचत में उन्नान का मेला, ठीक है, और दतिया से ये कहां पर है? दतिया में, ठीक है, याद रख लेना। और सोने की है तो सोनागिरी का मेला, ठीक है, और कुआं में तो सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? दतिया में लगता है। अब दोस्तों आपको याद हुआ कि नहीं? आपको ट्रिक करके याद करना है, बरौनी जिज्जी उन्ना फींचत में सोनी की दतिया गिरी कुआं में, है ना, याद रख लेना है दोस्तों। और ये है आपका दतिया, यहाँ पर लगते हैं चार मेले, चार मेले जिनको याद रखना है, बड़ौनी का मेला, उन्नान का, सोनागिरी का और सनगुआ का मेला, ये जो है कहाँ लगते हैं? दतिया में लगते हैं। अब आपको याद रख लेना है, कभी नहीं भूल सकते, है ना। अगला है दोस्तों नागा जी का मेला कहाँ लगता है? नागा जी का मेला जल्दी से बताएं, दो सेकंड में आपका टेस्ट हो जाएगा और आपको ट्रिक से याद भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुरैना। कहाँ पर लगता है नागा जी का मेला? मुरैना। अब यहाँ से नहीं लग रहा आपको नागा जी से, नांग, क्या लग रहा है? नांग, है ना। और नांग आपने देखा होगा कई सालों से शंकर जी के गले में पड़ा है। आप बोलते ना कि नांग ने बोला कि मैं सबसे बड़ा, तो कहीं शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? ये कई सालों से पड़ा है और अब इतना बूढ़ा हो चुका है कि अब इस पर मुरैना, अब इस पर मुरैना, क्या नहीं मुरे, खाना नहीं मुरे, अब इस पर मुरैना। नागा जी का मेला कहाँ? मुरैना, है ना, याद रख लेना। नागा जी यानी कि नांग, और नांग पड़ा है शंकर जी के गले में, अब बूढ़ा हो चुका है तो मुरैना, तो नागा जी का मेला मुरैना, याद रख लेना है, ठीक है। ये है दोस्तों मुरैना, ये मुरैना में लगता है नागा जी का मेला, ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है? प्रश्न क्रमांक 12 का 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर आया है उज्जैन, है ना, उज्जैन में लगता है दोस्तों कुंभ का मेला। और उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन, है ना। और यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर भी है, कौन सा है? महाकालेश्वर मंदिर। तो सभी को पता है कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है उज्जैन, ये आपका उज्जैन है और उज्जैन में लगता है कुंभ का मेला, ठीक है। तो आप कहीं से भी हो, सागर से हो तो उज्जैन पहुँचना है, टीकमगढ़ से हो तो उज्जैन से, शिवपुर से हो, राजगढ़ से हो तो आपको उज्जैन पहुँचना है कुंभ के मेले में, ठीक है। हाँ, मैहर का मेला कहाँ पर लगता है? मैहर, मैहर आपने सुना होगा, मैहर की मैया, है ना, गाना भी सुने होंगे कई गाने। तो मैहर का मेला कहाँ लगता है? कहाँ है मैहर? मैहर ये सतना में है, सतना में। तो मैहर का मेला कहाँ पर लगेगा? सतना में, लगभग सभी लोगों को याद है, ठीक है। तो मैहर का मेला सतना में लगता है, सभी लोग याद रखें। ये है दोस्तों सतना, ये है सतना, यहाँ पर
सतना देख लो, यहाँ पर लगता है काय का मेला, मैहर का मेला है ना, मैहर का मेला। अगला बताना दोस्तों आपको चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, चंडी देवी आप चढ़ देना, बोले चंडी चढ़ रही है ना, या चंडी देवी के दर्शन करने जाते हो। अब एक व्यक्ति आया और हमसे बोला सर चंडी देवी के दर्शन करना है, कहाँ से जाना है मंदिर, तो मैंने कहा आप बिल्कुल सीधी रास्ता देख रही, सीधी रास्ते से जाओ, सीधी रास्ते से जाओ, चंडी देवी के मंदिर पहुंच जाओगे। तो चंडी देवी का मंदिर सीधी, चंडी देवी का मंदिर सीधी। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया चंडी देवी के मंदिर जाना, आप भी बता देना कि सीधी रास्ता गई है, चंडी देवी के मंदिर पहुंच जाओगे। तो चंडी देवी का जो मेला है वो कहाँ लगेगा, सीधी में लगेगा, ठीक है। ये चंडी देवी का मंदिर है और आपको यहाँ से बिल्कुल सीधी जाना है, चंडी देवी के जो है मंदिर पहुंच जाओगे। तो ये चंडी देवी का मेला सीधी में, ठीक है, याद रख लेना है दोस्तों, ये है सीधी है ना, और यहाँ पर लगता है चंडी देवी का मेला, इसको याद रखेंगे, चंडी देवी का मेला सीधी में। अगला है दोस्तों महामृत्युंजय का मेला, प्रश्न क्रमांक 15, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आपको याद हो जाएगा महामृत्युंजय का मेला कहां लगता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कहां लगता है, रीवा में लगता है, रीवा में है ना। अब दोस्तों एक बात बताना, आप थोड़ा सा रीवा रीवा बार 5 बार बोलो, रीवा 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 बोलो 5 बार, रीबारी बारी बारी, तो आपको उच्चारण नहीं हो रहा, बारी बारी बारी, या फिर रीवा को उल्टा कर दो तो बारी बारी बारी, तो सभी की मृत्यु कैसी होनी है, बारी बारी से होनी है, कोई जिंदा नहीं बचेगा, सबकी मृत्यु कैसी होनी है, बारी बारी से होनी है। तो मृत्यु होनी है तो महामृत्युंजय, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगेगा, रीवा में, क्योंकि मृत्यु कैसी होनी है, बारी बारी से होनी है, बारी 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 है ना। तो याद रख लेना विकल्प नंबर डी, याद हुआ हो तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को इतना शेयर करें अपने मित्रों तक कि वो भी दीवाने हो जाएं ट्रिक की, ठीक है। तो सभी लोगों को याद होनी चाहिए दोस्तों, ये है आपका रीवा और यहाँ लगता है महामृत्युंजय का मेला, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और एक अपना छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रिक, ये लिखा है आपका IAS स्टडी ट्रिक, सर्च कर लेना तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ पर बहुत सारी PDF स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। और ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, तो व्हाट्सअप से भी जोड़ सकते हो और इंस्टाग्राम में सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। फेसबुक पे सर्च करना है सुमित जैन और टेलीग्राम पे तो मैंने बता ही दिया है IAS स्टडी ट्रिक आपको सर्च करना है। अब दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर कर दें अपने मित्रों तक, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत सारी ट्रिकें आने वाली हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।